हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडिटर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायनामिक मेमोरी एलोकेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट के बारे में। उसके पहले ये जो भी वीडियो में इस वीडियो में जो भी मैं पढ़ाने वाला हूं उसका पीडीएफ नोट्स का लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। आप वहां से इस सारे वीडियो के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। लिखने की जरूरत नहीं है, बट लिखना चाहो इट्स वेल एंड गुड, यू कैन राइट दैट। ओके, नाउ हम आते हैं। हमने आपको बता दिया था इसके पहले वाली वीडियो में कि डायनामिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है। अब आपको हम ये बताएंगे कि डायनामिक मेमोरी एलोकेशन जो होता है, चूंकि हम जानते हैं रन टाइम मेमोरी क्रिएट करते हैं, यानी जब प्रोग्राम रन कर रहा हो उस समय मेमोरी को एलोकेट करते हैं, तो उन टाइम में यानी कि जब प्रोग्राम हमारा रन कर रहा होता है उस समय मेमोरी को एलोकेट करने के लिए कुछ फंक्शंस हैं जो हम यूज करते हैं, लाइक मैलोक फंक्शन, कैलॉक फंक्शन, रीएलोक फंक्शन और एक और फंक्शन होता है फ्री फंक्शन। इन चारों फंक्शन को हम वन बाय वन देखेंगे, लेकिन इस पार्टिकुलर वीडियो में हम करने वाले हैं मैलोक फंक्शन का कॉन्सेप्ट और सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैलोक से रिलेटेड विद प्रोग्राम एग्जांपल और प्रोग्राम को रन करके भी आपको बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ठीक, इसके पहले वाली वीडियोस में हम जान चुके हैं कि डायनामिक मेमोरी एलोकेशन जो होता है वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो डायनामिकली मेमोरी को क्या करता है, क्रिएट करता है। कब? जब प्रोग्राम रन कर रहा होता है एज पर रिक्वायरमेंट, यानी जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होती है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोग्राम क्या होता है, मेमोरी को एलोकेट करता है। सो इसी को एलोकेट करने के लिए डायनामिक मेमोरी को हमारे पास सी में एक फंक्शन है जिस फंक्शन का नाम है मैलॉक फंक्शन, MALLOC, मैलॉक फंक्शन। ठीक है, तो इस फंक्शन का क्या यूज होता है, तो दिस फंक्शन इज यूज्ड टू, यानी इस फंक्शन का यूज किया जाता है किस लिए, दिस फंक्शन इज यूज्ड टू एलोकेट मेमोरी। ठीक है, एलोकेट मेमोरी डायनामिकली, यानी कि हम क्या करते हैं, मेमोरी को एलोकेट करते हैं कैसे, डायनामिकली, दैट इज ड्यूरिंग रन टाइम, यानी कि कब, जब क्या होता है प्रोग्राम रन कर रहा होता है, ड्यूरिंग रन टाइम। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि मेमोरी एलोकेट हो ड्यूरिंग रन टाइम हो, तो आप जिस फंक्शन का यूज करते हो दैट इज मैलोक फंक्शन। एक और है कैलोक भी है, एक और है रीएलोक भी है, वो भी हम आगे वन बाय वन देखेंगे, इसमें पार्टिकुलरली मैलोक फंक्शन। नाउ मैलोक फंक्शन जो है वो एलोकेट्स, यानी मैलोक फंक्शन क्या करता है, मैलोक फंक्शन एलोकेट्स यानी एलोकेट करता है बंच ऑफ मेमोरी। ठीक है, बंच ऑफ मेमोरी मतलब, बंच ऑफ मेमोरी का मतलब क्या हुआ, जैसे आपने कहा 20 बाइट की मेमोरी बना दो, तो वो एक ही बार क्या करेगा, 20 बाइट की मेमोरी को क्या कर देगा, क्रिएट कर देगा, यानी कि ये पूरी 20 बाइट एक साथ क्रिएट करेगा, बंच ऑफ मेमोरी। ठीक है, इसका मतलब समझ में आ रहा है ना, बता दिया मैंने कि अगर आप कहते हो 50 बाइट चाहिए मुझे, तो ये 50 बाइट एक जगह देखेगा, यानी एक ही जगह पे 50 बाइट क्या कर देगा, ऑक्यूपाई कर लेगा। अब उस 50 बाइट को आप जैसे यूज करना चाहते हो वैसे यूज करो। सो मैलोक फंक्शन मैलोक फंक्शन एलोकेशन, नॉट एलोकेशन, एलोकेट्स ना, है ना, थोड़ा सा इंग्लिश तो ठीक ही होना चाहिए ना, तो एलोकेट्स। ओके, सो मैलोक फंक्शन एलोकेट्स बंच ऑफ मेमोरी, यानी ये बंच ऑफ मेमोरी क्या करता है, एलोकेट करता है। ठीक है, आफ्टर एलोकेटिंग द मेमोरी, यानी कि मेमोरी को एलोकेट करने के बाद, आफ्टर एलोकेटिंग मेमोरी इट डज नॉट इनिशियलाइज, ये इनिशियलाइज नहीं करता है, इनिशियलाइज इट विद वैल्यूज, यानी कि कोई वैल्यूज पर डालता नहीं है ये, मतलब कि मेमोरी को क्रिएट कर दिया, मेमोरी को क्रिएट करने के साथ उसमें ऐसा नहीं कि कोई वैल्यू डाल देता है, क्योंकि ये जो भी इस, क्योंकि से रीजन क्या है, जो हम अगला फंक्शन पढ़ेंगे कैलॉक, वो मेमोरी क्रिएट करने के साथ साथ सारे मेमोरी ब्लॉक्स को जीरो से इनिशियलाइज करता है, इसीलिए मुझे ये लाइन यहां लिखनी पड़ी कि आफ्टर एलोकेटिंग मेमोरी इट डज नॉट इनिशियलाइज इट विद वैल्यूज, हेंस ऑल वैल्यूज आर गार्बेज वैल्यूज। सो जो भी वैल्यूज होते हैं वो क्या होते हैं, गार्बेज वैल्यू। गार्बेज वैल्यू का मतलब समझते हैं ना, जब आप कोई भी वेरिएबल बनाते हैं और उस वेरिएबल में आप कोई वैल्यू नहीं डालते हैं, लाइक आप इंट ए लिखते हैं, आपने इंट ए तो लिख दिया, लेकिन आपने जैसे इंट ए लिखा बन तो गया, लेकिन आपने उसमें वैल्यू नहीं बताया, तो उस समय जो वैल्यू अपने आप चली जाती है उसमें, अपने आप कोई ना कोई वैल्यू उसमें एंट्री ले लेती है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, गार्बेज वैल्यू। अब इसका सिंटैक्स क्या होता है, कैसे इसको हम यूज करते हैं, हाउ वी यूज दिस, तो सिंटैक्स इसका यह है कि आप एक पॉइंटर मानेंगे, जिस भी तरह का मेमोरी आप एलोकेट कर रहे हो, इंटीजर टाइप का, फ्लोट टाइप का, कैट टाइप का, उस टाइप का पॉइंटर मानोगे, तो पॉइंटर इक्वल टू, सबसे पहले जो भी डेटा टाइप है ना,
डेटा टाइप एस्ट्रिस्क, ऑब्वियस सी बात है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, मेमोरी एलोकेशन पॉइंटर्स, पॉइंटर्स आना चाहिए आपको। तो पीटीआर इक्वल टू डेटा टाइप एस्ट्रिस्क, फिर यहां लिखेंगे मैलॉक और यहां लिखेंगे साइज इन बाइट्स, यानी जो भी जितने भी बाइट्स की मेमोरी आप क्या करना चाहते हैं एलोकेट करना चाहते हैं, एंड दैट्स इट। सो दिस इज द सिंटैक्स राइट। तो अब इसको हम प्रोग्राम के जरिए देखेंगे, इसलिए मैं इतनी जगह छोड़ रखा हूं ताकि एक ही बोर्ड में सारा कुछ हो। तो इसलिए अब देखिए इसमें क्या होता है, इसको पढ़ लिया हमने का सिंटैक्स क्या होता है, प्रोग्राम के जरिए एग्जांपल करेंगे। एक और फंक्शन होता है देखिए साइज ऑफ फंक्शन, ये क्या करता है, तो दिस फंक्शन रिटर्न्स, एंड ये फंक्शन हमें देता है क्या देता है, तो दिस फंक्शन रिटर्न्स द साइज ऑफ व्हाट, द साइज ऑफ और डेटा टाइप, यानी ये किसी एक डेटा टाइप। अब ये क्यों पढ़ रहे हैं पता, साइज ऑफ क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि साइज ऑफ की जरूरत आएगी मैलोक के साथ, इसीलिए साइज ऑफ को भी पढ़ना पड़ेगा ठीक है। तो दिस फंक्शन रिटर्न्स द साइज ऑफ अ डेटा टाइप, यानी ये क्या करता है साइज रिटर्न करता है किसी डेटा टाइप का ठीक है, और किसी का एक वेरिएबल का, इन टर्म्स ऑफ बाइट्स, इन टर्म्स ऑफ बाइट्स यानी कि कितने बाइट, वो कितने बाइट का ही रिटर्न करता है ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से ज्यादा समझ आएगा, मैं अगर लिखता हूं सपोज कीजिए साइज ऑफ, साइज ऑफ एक साथ है कोई स्पेस नहीं है और ब्रैकेट में मैंने डाल दिया इंट, तो पता ये क्या देगा, दिस विल गिव मी फोर। अब हमको समझना है कि ये फोर क्या है, बाइट्स है ठीक है। मैं दूंगा साइज ऑफ व्हाट, क्या है, तो ये मुझे क्या देगा वन, ऑब्वियसली इसको प्रिंटेड के साथ लगाना होगा वो आप समझ रहे हो, तो ये वन क्या है बाइट्स है। सो साइज ऑफ क्या करता है, साइज ऑफ हमें किसी भी दिए गए डेटा टाइप का साइज बता देता है। इवन मैंने यहां एक चीज और लिखा है वेरिएबल, मान लीजिए मैं यहां लिखता हूं इंट ए, सपोज कीजिए इंट ए, और मैं यहां फिर पूरा स्टेटमेंट लिखूंगा प्रिंटफ वाला, मैं लिखता हूं साइज ऑफ ए, शॉर्टकट मैं बता रहा हूं, तो ये ए किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, इसीलिए ए का जो साइज आएगा वो क्या आएगा फोर बाइट्स, यानी फोर आएगा। अब आपको समझना है कि ये क्या है फोर में। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट साइज ऑफ फंक्शन। नाउ इन दोनों का यूज करके हम क्या करेंगे, डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करेंगे, कैसे करेंगे। अब पहली बात, दूसरी बात ये भी जान लीजिए कि मैलोक फंक्शन का जो हेडर फाइल है, चाहे आप मैलोक यूज कीजिए, चाहे वो आप कैलोक फंक्शन यूज कीजिए, चाहे वो आप री एलोक फंक्शन यूज कीजिए, चाहे वो आप फ्री फंक्शन यूज कीजिए, वो सारे फंक्शन जो हमारे हेडर फाइल stdlib.h में पाए जाते हैं, ऑल दोज फंक्शंस आर फाउंड इन हेडर फाइल stdlib। तो यानी कि अगर आपको डायनेमिक मेमोरी लोकेशन यूज करना है और आप प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं, तो सबसे पहला लाइन जो आपका होता है वो तो होगा ही होगा हैश इंक्लूड stdio.h, और दूसरा लाइन हो जाएगा हैश इंक्लूड व्हाट stdlib.h। अगर आप कोनियो वगैरह मतलब अगर आप गेट सीएच वगैरह यूज करना चाहते हैं तो आप हैश इंक्लूड conio.h भी लिख सकते हैं। अच्छा एक चीज और, बहुत बच्चे परेशान होते हैं, देखो मैं जो स्टैंडर्ड लेके चलता हूँ ना प्रोग्राम लिखने का, वो मैं टर्बो सी का स्टैंडर्ड लेके चलता हूँ, ये प्रोग्राम टर्बो सी, टर्बो सी प्लस प्लस में बहुत अच्छे से काम करेगा ठीक है। अब डिफरेंस थोड़ा थोड़ा आ जाता है जब आप कोई दूसरा एनवायरमेंट यूज करते हैं ठीक है। तो मैं एक वीडियो ही बना दूंगा स्पेसिफिकली कि यही अगर एक प्रोग्राम है, इसी प्रोग्राम को आप टर्बो सी में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, वीएस कोड में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, और डिफरेंट डिफरेंट आईडीईज में अगर लिखना चाहें, कोड ब्लॉक्स में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, तो तीन चार आईडीईज में रन करके दिखा दूंगा। वही थोड़े से डिफरेंसेस होते हैं, थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ता है, वो आप कर सकते हो एटलीस्ट ठीक है। मैं बता दूंगा, एक वीडियो बना दूंगा इस पर ठीक है। अब आइए मैं यहां इंटीजर टाइप का लेता हूं क्या एन, और प्रिंट करता हूं स्क्रीन पे प्रिंट एफ स्लैश एन, हाउ मेनी एलिमेंट्स यू वांट टू स्टोर, हाउ मेनी एलिमेंट्स यू वांट टू स्टोर, मतलब ये प्रोग्राम किस लिए हम लिख रहे हैं ठीक है। पहले ये जानना होगा कि हम ये प्रोग्राम लिख किस लिए रहे हैं। तो ये प्रोग्राम जो हम लिख रहे हैं वो जितना यूजर कहेगा उतनी मेमोरी एलोकेट करेंगे, उतनी मेमोरी क्रिएट करेंगे, दैट्स इट, इसके लिए हम लिख रहे हैं ठीक है। अब जैसे मैंने पूछा हाउ मेनी एलिमेंट्स यू वांट टू क्रिएट, आप पूरा मैसेज लिख लीजिएगा क्योंकि आई थिंक इसके बाद नहीं आएगा बोर्ड में, इसलिए जो भी उसने कहा हम कहा उसको रीड कर लेंगे। स्कैनफ इंटीजर टाइप का डेटा है तो परसेंट डी और एम परसेंट एन में हमने क्या कर लिया, स्टोर कर लिया। सो व्हाट इज एन, एन इज कि हमें कितने वैल्यूज, कितने नंबर्स को स्टोर करना है। मान लीजिए जब ये प्रोग्राम रन कर रहा था तो यूजर ने एन में दिया पांच, यानी कि वो कहता है मुझे पांच जो है वो मेमोरी एलोकेट करने हैं, किस टाइप के, इंटीजर टाइप के। तो अब हमारा काम होता है एक पॉइंटर लेना, क्योंकि बिना पॉइंटर के हम मेमोरी एलोकेट करके उसका एड्रेस किसी को दे ही नहीं पाएंगे। हम मेमोरी एलोकेट करते हैं, उसका एड्रेस कहीं डालते हैं ठीक है। तो अब हम यहां क्या करेंगे, हमने कहा कितने एलिमेंट्स, उसका हम क्या करते हैं पीटीआर यानी पॉइंटर। जब ये मेमोरी एलोकेट करते हैं ना, मेमोरी एलोकेट करने के बाद उस मेमोरी का फर्स्ट एड्रेस पॉइंटर में डाल देते हैं, जिस तरह की मेमोरी हम एलोकेट कर रहे हैं।
तो चूंकि हम जो मेमोरी एलोकेट करने जा रहे हैं वो इंटीजर वैल्यू को स्टोर करेगा, इसीलिए हम यहाँ पॉइंटर भी किस टाइप का मानेंगे, इंटीजर टाइप का मानेंगे, ठीक है। तो पीटीआर इक्वल टू व्हाट, इंट एस्ट्रिस्क, यानी हम इंटीजर टाइप का मेमोरी बनाने जा रहे हैं। अगर आप फ्लोट टाइप बनाते तो आप लिखते फ्लोट एस्ट्रिस्क, अगर आपको कैर टाइप बनाना होता तो आप लिखते कैर एस्ट्रिस्क। तो इंट एस्ट्रिस्क, उसके बाद क्या, मैलॉक, MALOC, एंड देन यहां पे आता है क्या, n इंटू साइज ऑफ इंट, साइज ऑफ व्हाट, इंट। क्या मतलब हुआ, इंटीजर टाइप की मेमोरी बनानी है, मैलॉक फंक्शन यूज कर रहे हैं, फिर से समझिएगा, इंटीजर टाइप की मेमोरी बनानी है, कैर की बनानी होती तो कैर, फ्लॉट की बनानी होती फ्लॉट, तो इंटीजर टाइप की मेमोरी बना रहे हैं, मैलॉक फंक्शन को यूज कर रहे हैं, और अब हमको यहां पे क्या देना होता है, साइज देना होता है ना, देखिए व्हाट इज दिस, साइज इन बाइट्स है ना, कि हम जो लिखते हैं तो डेटा टाइप इंट, स्टार स्टार, मैलॉक मैलॉक, साइज इन बाइट्स, कितना साइज, तो देखिए मैंने क्या लिखा, एन इंटू साइज ऑफ इंट, जब साइज ऑफ इंट लिखेंगे हम, देखिए तो साइज ऑफ इंट ये है ना, यही है ना, साइज ऑफ इंट में क्या दिया है हमें, फोर रिटर्न कर रहा है, तो यहां आएगा फोर, और एन में कितना है, पांच, तो फाइव फोर जा 20 बाइट्स की मेमोरी क्रिएट हो जाएगी टोटल, इन टोटल, और जो भी उसका पहला एड्रेस होगा वो कहां चला जाएगा, पीटीआर में चला जाएगा। तो मान लीजिए 100 वाज द फर्स्ट एड्रेस, ये कहां चला जाएगा आपको, पीटीआर में चला जाएगा। सो पीटीआर विल कंटेन व्हाट, 100, सो मेमोरी क्रिएट हुई, इसलिए साइज ऑफ मैंने पढ़ाया था ताकि आपको साइज ऑफ का पता चल सके, ठीक है। तो साइज ऑफ इंट से 4, एन में 5, 5 फोर 20, 20 बाइट्स की मेमोरी जो इंटीजर वैल्यू को स्टोर कर सकती है जो है वो एक साथ बनी और पीटीआर में चली गई। अब चूंकि 5 इंटीजर्स, देखिए कह रहा है ना, n इंटू साइज ऑफ इंट मतलब 5 इंटीजर साइज के लिए, तो 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो 0, 1, 2, 3, 4 ये इंडेक्सिंग होती है इंटरनली। अब इसका फर्स्ट एड्रेस अगर 100 है तो पीटीआर में कहां चला गया, 100, अगला क्या होगा बच्चा, 104, ये सब, ये अगला क्या होगा, 108, फिर अगला 112 और अगला 116, ये सब पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट है। अब क्योंकि एक इंटीजर 4 बाइट लेता है, इसलिए 100 से लेके 103 तक तो ये पूरा ये जीरो इंडेक्स ले लिया, इसलिए 104 से लेके 107 तक ये होगा, हर बार 4 बाइट से इसलिए भर रहा है क्योंकि एक इंटीजर कितने बाइट्स की मेमोरी लेता है, 4 बाइट्स की मेमोरी लेता है। अब आइए हम आते हैं, हमने मेमोरी तो बना दिया, अब इसमें वैल्यूज भी तो डालने होंगे, तो यहां पे हम एक आई नाम का वेरिएबल लेते हैं और लूप लगाते हैं, क्या फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, कितने टाइम्स चलो भाई, 5 टाइम्स चलो, क्यों 5 टाइम्स चलो, क्योंकि हमें 5 वैल्यूज को ही तो स्टोर करना है, तो 5 टाइम्स चलो, तो फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन और आई प्लस प्लस, इसके अंदर आके हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ इंटर वैल्यू, प्रिंट एफ स्लैश एन एंटर वैल्यू, यानी कि वैल्यू डालिए, और जो भी वैल्यू यूजर देगा वो वैल्यू हम कहां रीड कर लेंगे, तो स्कैन ऑफ परसेंट डी, और यहां पे हम लिखेंगे पी प्लस आई में वैल्यू को क्या कर लो, स्टोर कर लो। चलिए आई जीरो होगा, ठीक है आई जीरो है, यहां पे मान लीजिए आई यहां पे जीरो है, लेस देन एन है, 5 से छोटा है, बिल्कुल है, तो ये हो गया पहला इनिशियलाइजेशन, फिर कंडीशन, उसके बाद तुरंत एंट्री ले लिया अंदर, एंटर वैल्यू जो भी वैल्यू दिया पी प्लस आई में रीड कर लो, P कितना है 100, आई कितना है 0, 100 प्लस 0, 100 में रीड कर लो, मान लो यूजर ने दिया 10, यहां रीड हो गया। अब ये लूप है तो फिर से ऊपर जाएगा, आई को बढ़ाएगा, आई अब किसको इंडिकेट करेगा, आई हो गया, अब क्या इंडिकेट करेगा, इसको 1 को इंडिकेट करेगा, फिर से 1, अब यहां जब बढ़ गया एक से, उसके बाद ये चेक करेगा आई लेस देन एन है तो आई में 1 है, 1 इज लेस देन 5 है, जी बिल्कुल है, जैसे इस कंडीशन से ही हुआ एंट्री लिया, एंटर वैल्यू जो भी वैल्यू दोगे पी प्लस आई में रीड करेगा, व्हाट इज मीनिंग ऑफ पी प्लस आई, भाई P is not P, I'm sorry, here I'm writing here P, not it's P, it will be PTR, क्योंकि हमने pointer का नाम क्या लिया है, PTR लिया है ना, तो PTR plus होगा, मैं फिर से इसको अच्छे से लिख दूं, अगर pointer का नाम यहाँ पे PTR हमने लिया है ना, इसलिए यहाँ PTR लिखेंगे, हम यहाँ क्या लिखेंगे, PTR and then plus I, pointer और plus I, ठीक है, तो PTR plus I, PTR तो अभी भी 100 है, और I में तो 1 है, तो 100 plus 1, 101, 101 तो कुछ है ही नहीं, अब क्या कीजिएगा, फिर से वही बात, पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट, पॉइंटर्स का नॉलेज होना चाहिए आपको, आपको पता होना चाहिए भैया एक बाइट लेता है, एक इंटीजर कितने बाइट लेता है, 4 बाइट, तो जैसे ही आपने यहां पीटीआर प्लस आई किया, मतलब आपने कहा कि अब आप आई जो अगला इंडेक्स है
उसका एड्रेस चाहिए हमें, तो चूंकि इंटीजर 4 बाइट लेता है तो 100 प्लस 4 हो जाएगा, एक इंटीजर 1 के लिए वो क्या ले लेगा, 4 ले लेगा, तो 100 प्लस 4 104, यहां रीड कर लेगा 15, ठीक है। फिर ऊपर गया, आई बढ़ा, आई इस बार किसको रिप्रेजेंट करेगा, 2 को, लेस देन एन है, लेस देन 5 है, बिल्कुल, एंटर नंबर। अब फिर से पीटीआर प्लस आई में स्टोर किया, पीटीआर प्लस आई, पीटीआर स्टिल 100, आई इज 2, आई कितना है 2, तो 2 इंटीजर्स, 2 4, 2 इंटीजर मतलब 2 इंटू 4 यानी 8, 100 प्लस 8, 108, 20, कोई वैल्यू आ सकता है। फिर ऊपर गया, आई को बढ़ाया, आई कितना हो गया 3, इंटर वैल्यू 3 जैसे 5, बिल्कुल है, एन से तो छोटा है ही, इंटर वैल्यू पीटीआर प्लस आई, पीटीआर इज स्टिल 100, बट आई इज वॉट 3, तो 3 एंड 4, 4 3 जा, अरे आई 3 है ना, देखो ना बच्चा, आई 3 है और एक इंटीजर 4 लेता है, तो 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12, इस पर सब सब पर इंप्लीमेंट कर सकते हो, जब आई 0 था तो 100 प्लस 0, अगर आप 4 इंटू 0 करते तो भी तो 0 ही आता ना, देखो अगर हम कहते 100 प्लस 4 इंटू 0, 100 प्लस 4 इंटू 1, 100 प्लस 4 इंटू 2, 100 प्लस 4 इंटू 3 और 100 प्लस 4 इंटू 4, तो ये 4 इंटू 0 क्या होता, 100 प्लस 0 100 हो जाता। अगली बार जब आई 1 हुआ तो 4 इंटू 1 4, 100 और प्लस 4 104 हो गया, अगली बार आई 2 हुआ तो 4 2 जा 8, 100 प्लस 8 108 हो गया, फिर 4 3 जा 12, 100 प्लस 12 112, अब अगली बार आई जब 4 है तो 4 4 जा 16, 100 प्लस 16 16, और इस तरीके से वैल्यू क्या हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ 5 और यहाँ 7 रीड हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे जब भी पीटीआर प्लस आई करते हैं, आपको ये पीटीआर प्लस आई इवैल्यूएट करना आना चाहिए, ये जो है वो पॉइंटर का कॉन्सेप्ट है ना, पीटीआर इज ऑलवेज 100, अब आई 0 है तो 0, आई अगर 0 है तो 0, 4 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0 ही तो हो जाएगा, आई जब 1 हुआ तो 4 इंटू कितना हो जाएगा 1, 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा 4, तो 100 प्लस 1 सॉरी 100 प्लस 4 कितना हो जाएगा 104, यानी कि सिंपली आप इस पीटीआर प्लस आई को इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब हम आई से लूप लगा देते हैं और पीटीआर प्लस आई करते हैं तो हर बार पीटीआर जो है वो होता तो 0 ही है, लेकिन प्लस आई की वजह से हर बार अगले ब्लॉक के एड्रेस को क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है, राइट। अब हमने ये वैल्यू ले लिया, अब हम यहां पे इसको दिखाएंगे भी, तो हम यहां क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे, प्रिंट एफ स्लैश एन एरे एलिमेंट्स आर, यानी एरे के एलिमेंट्स हैं, एरे एलिमेंट्स आर, कौन कौन से एरे एलिमेंट्स हैं, तो प्रिंट कर दिए, प्रिंट करने में फॉर आई इक्वल टू 0, I less than n और I plus plus, और यहां हम क्या कर देंगे, printf कर देंगे, printf slash n integer value, इसलिए percent d, देखिए ये value at है, value at और in bracket what ptr plus i, तो देखिए ptr plus i जो है वो हर बार पहले क्या था, ptr plus i पहली बार 100 था, ptr plus i अगली बार 104 था, जब हम यहां इनपुट ले रहे थे, ये जब हम इनपुट ले रहे थे तो ptr पहली बार 100 था, ptr plus i तो था ना पहली बार 100, तभी तो यहां वैल्यू स्टोर हुआ, अगली बार 104 था तभी तो यहां वैल्यू स्टोर हुआ, अगली बार 108 था तभी तो यहां वैल्यू स्टोर हुआ, तो जब हम पीटीआर प्लस आई कर रहे हैं तो एड्रेस को डिनोट कर रहा है, और ये जब उसके पहले हम स्टार लगा देते हैं तो ये क्या हो गया, वैल्यू एट, यानी कि इस एड्रेस पे है ना, अच्छा इस एड्रेस पे रखा हुआ वैल्यू, तो पीटीआर प्लस आई पे रखा हुआ वैल्यू, यानी कि सबसे पहले 100 पे रखा हुआ वैल्यू 10, अगली बार 104 पे रखा हुआ वैल्यू 15, अगली बार क्योंकि ये लूप चल रहा है हर बार, इस लूप के साथ आपको पता होगा, ये अगर आप डेटा स्ट्रक्चर तक आए तब तो इतना जरूर पता होगा कि किसी भी लूप के साथ ठीक उसके बाद का एक स्टेटमेंट एसोसिएटेड होता है, अगर मल्टीपल स्टेटमेंट चाहिए होते हैं तो हमें कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज करना होता है, अगर सिंगल स्टेटमेंट चाहिए तो नहीं करना होता है, तो अगली बार 108 पे रखा हुआ वैल्यू, अगली बार 112 पे रखा हुआ वैल्यू, अगली बार 116 पे रखा हुआ वैल्यू, 1 by 1 प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद अगर आप चाहें तो गेट सी एच कर सकते हैं, गेट सी एच टर्बो सी प्लस प्लस में यूज होता है, स्क्रीन होल्ड कर देता है ताकि आप आउटपुट देख सकिए, और तब आप लिखेंगे रिटर्न 0 यानी प्रोग्राम टर्मिनेटेड सक्सेसफुली। सो दिस इज अ प्रोग्राम विच विल आस्क ड्यूरिंग रन टाइम कि कितना एलिमेंट आप चाहते हो, उतना एलिमेंट आपने पूछा कि कितने एलिमेंट्स को आप स्टोर करना चाहते हो, उसके लिए रन टाइम में ही मेमोरी बनाई इस स्टेटमेंट को यूज करके, उसके बाद इसको यूज करके इनपुट आपने लिया उन सारे स्टेटमेंट्स का, और इसको यूज करके आपने दिखा दिया कि आपने जो वैल्यूज दिए थे वो ये वैल्यूज हैं। अब इनपुट लेने के बाद आप वैल्यू दिखाते हो या जो भी काम करना चाहते हो, व्हाटएवर यू वांट,
यू कैन परफॉर्म, आपके पास एलिमेंट्स आ गए, एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए वैल्यू एट पीटीआर प्लस आई हमेशा यूज कीजिएगा ये लूप लगा के। अब इस वैल्यू एट पीटीआर प्लस आई से जो कुछ भी करना है कीजिए। सो नाउ व्हाट एवर प्रोग्राम यू विल राइट दैट विल बी ऑन बेस्ड ऑन कि आप यूजर से रन टाइम में वैल्यूज लेंगे, सॉरी यूजर से पूछेंगे कितने वैल्यूज वो स्टोर करना चाहता है, उतने ही वैल्यूज आप उतने वैल्यूज के लिए मेमोरी क्रिएट करेंगे, उसमें इनपुट लेंगे, उसकी फंक्शनैलिटी करेंगे। तो आपने क्या किया, रन टाइम में मेमोरी एलोकेट किया, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। दिस वॉज द होल एंड सोल अबाउट मैलॉक फंक्शन। मैलॉक फंक्शन का ये पूरा हर कुछ है। इसको चलिए मैं आपको प्रोग्रामेटिकली प्रैक्टिकली रन करके दिखा देता हूं। तो चलिए इसे प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं। प्रैक्टिकली करने के लिए ऑलरेडी मैंने ये प्रोग्राम पहले से टाइप करके रखा हुआ है, और जो मैं एनवायरमेंट यूज कर रहा हूँ यानी जो मैं आईडी यूज कर रहा हूँ वो है कोडब्लॉक्स की आईडी। आप कोई सी भी आईडी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने बिल्कुल सेम वही प्रोग्राम वन बाई वन टाइप करके रखा हुआ है। यहाँ malloc.h हेडर फाइल ऐड किया हुआ है, उसके बाद मैंने यहाँ पे मेमोरी क्रिएट करने के लिए जो है वो malloc फंक्शन का सिंटैक्स लिख के एक एक करके जितने भी यूजर कहेगा जितना भी यूजर कहेगा उतना डेटा हमने रीड किया है। ठीक है, ये रहा रीडिंग के लिए हमारा, और ये हमारा राइटिंग के लिए, मतलब राइटिंग मतलब आउटपुट दिखाने के लिए कि कौन सा एरे एलिमेंट्स है। बिल्कुल ये सेम प्रोग्राम है जो अभी मैंने आपको रन कर मतलब थियोरेटिकली समझाया। चलिए इसे रन करके भी देख लेते हैं। यहाँ पे ये बटन है बिल्ड एंड रन, जब इस पर क्लिक करेंगे तो पूछेगा हाउ मेनी एलिमेंट्स यू वांट टू एंटर। सपोज कीजिए मैं कहता हूँ 5 और एलिमेंट्स मैं देता हूँ 10, ठीक है 20, 30, 40 और क्या 50। और यहाँ देखिए दिखाता है एरे एलिमेंट्स आर व्हाट 10, 20, 30, 40 और 50, यानी कि हमारा प्रोग्राम सही काम कर रहा है। हम जितना एलिमेंट बोलेंगे उतने एलिमेंट्स के लिए रन टाइम में मेमोरी एलोकेट हो रहा है और उतने के लिए वैल्यू लेके हमें शो कर दिया जा रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।